1947 में आज़ादी के बाद इंडियन पॉलिसी मेकर्स, इंटेलेक्चुअल्स, पॉलिटिशियंस, एडवोकेट्स और साधारण लोगों का काम खत्म नहीं हुआ था। देश के सामने बहुआयामी यानी मल्टी डायमेंशनल इश्यूज थे। शिक्षा और रोजगार से लेकर लिंग आधारित यानी जेंडर और सेक्स बेस्ड इश्यूज के अलावा किसानी, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जैसे कई इकोनॉमिकल मैटर्स थे जिन पर गवर्नमेंट को फोकस करना था। पिछले 75 ईयर्स में कई एस्पेक्ट्स में तरक्की करने के बाद भी बहुत सारे पहलू आज भी बाकी हैं जिन पर तेजी से काम होने की जरूरत है। यूं तो सरकार द्वारा सैकड़ों प्रोजेक्ट्स पर काम किया गया है। इसमें IITs, IIMs, ISC, ISRO, DRDO etc. इंस्टीट्यूशंस, स्कीम्स और प्रोजेक्ट्स रहे हैं जिन पर इंडिया का ओवरऑल डेवलपमेंट बहुत हद तक आधारित रहा है। पर आज भी इंडिया डेवलप्ड नेशंस की गिनती में नहीं है, और इसका मतलब यह है कि देश में आज भी बहुत काम बाकी है। फार्मिंग से जुड़े प्रोजेक्ट्स में बात करें तो किसानी से जुड़े कई प्रोजेक्ट्स हमारे किसान भाइयों को मदद करते आ रहे हैं। हालांकि आज हम इस वीडियो में 15 ऐसे प्रोजेक्ट डिस्कस करने वाले हैं जो वर्तमान में भारत की इकोनॉमी और ग्लोबल प्रेजेंस को शेप करते हुए अपनी छाप छोड़ रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि वीडियो UPSC मेंस GS पेपर 2 और 3 के मद्देनजर इम्पॉर्टेंट रहने वाला है, इसलिए वीडियो एस्पिरेंट्स के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। आइए अब शुरू करते हैं आगे का डिस्कशन। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि स्टडी IQ ने हमेशा से अफोर्डेबल क्वालिटी एजुकेशन पे फोकस किया है, और एक बार फिर से आपकी तैयारी को अफोर्डेबल बनाने के लिए स्टडी IQ के कोर्सेज पे मिलने जा रहा है आपको भारी डिस्काउंट मंथ एंड सेल के अंतर्गत फ्रॉम 27th to 30th May। स्टडी IQ के कोर्सेज सिर्फ अफोर्डेबिलिटी के मामले में ही नहीं बल्कि क्वालिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी बेस्ट वैल्यू प्रोवाइड कराते हैं, जहां आपको मिलती है बेस्ट फैकल्टीज के प्री-प्लस मेंस के वीडियोस, PPTs, MCQs, करंट अफेयर्स प्रोग्राम और रिवीजन के लिए एप्रोप्रिएट कंटेंट। ये सब कुछ मिलेगा आपको ऑलमोस्ट हाफ प्राइस पे। बस आपको जाना है स्टडी IQ की वेबसाइट पे और यूज करना है कोड AGFLASH, और उसके बाद आप अपनी तैयारी को दे पाएंगे स्टडी IQ के कोर्सेज से नई उड़ान, क्योंकि अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, इन कोर्सेज को खरीदने की लिंक आपको पिंड कमेंट में मिल जाएगी। बिना किसी एक्लिप्स यानी ग्रहण के सूर्य को पूरे वक्त ऑब्जर्व करना और डेटा कलेक्ट करने के मोटिव के साथ इसरो आदित्य L1 नाम का प्रोजेक्ट प्लान कर रहा है। इंडिया का पहला मिशन होगा जो सूरज की स्टडी के लिए 400 किलोग्राम के सैटेलाइट को सन अर्थ सिस्टम के बीच लैग्रेंजियन पॉइंट 1 पर स्थापित करेगा। इनिशियली केवल एक पेलोड यानी विजिबल एमिशन लाइन, कोरोनाग्राफ और VELC प्लान किया गया था, लेकिन अब इस सैटेलाइट में 6 पेलोड्स होंगे जो अर्थ से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्टैब्लिश किए जाएंगे। सन के करीब जाकर डेटा कलेक्ट करना आसान नहीं है। स्पेस में किसी भी वक्त कोई छोटा सा एरर भी पूरे प्रोजेक्ट के लिए फेटल साबित हो सकता है। ऐसे में आदित्य L1 मिशन यदि सक्सेसफुल कवर हो गया तो ये ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर इंडिया के लिए एक मेजर अचीवमेंट साबित होगा। इसी की तरह इसरो दिशा और तृष्णा मिशन भी प्लान कर रहा है। स्पेस एक्सप्लोरेशन के ही सिलसिले में इसरो पीछे हटने वाला नहीं है। COVID-19 और लॉकडाउन के कारण शेड्यूलिंग डिले हो गई है और 2 साल स्लो रहे हैं, लेकिन अब कई मिशंस फुल थ्रॉटल के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इन्हीं में से दिशा और तृष्णा 2 जरूरी प्रोजेक्ट्स हैं। दिशा नाम के ट्विन सैटेलाइट एक्सपेरिमेंट में अर्थ के एटमॉस्फेयर के अपर मोस्ट लेयर की एरोनॉमी स्टडी की जाएगी। दिशा यानी डिस्ट्रीब्यूटेड एंड क्वाइट टाइप सिस्टम एट हाई ऑल्टीट्यूड अर्थ की सर्फेस से 450 किलोमीटर ऊपर रहकर अर्थ की उस लेयर को स्टडी करेगा जो स्पेस शुरू होने से एकदम पहले आती है, यानी अर्थ की आखिरी लेयर को। इसके लिए 2 सैटेलाइट एस्टैब्लिश होंगी। इसके अलावा तृष्णा नामक प्रोजेक्ट फ्रांस के CNES के साथ एक जॉइंट मिशन होगा जो अर्थ की लैंड सरफेस की एक्यूरेट मैपिंग करेगा। इससे नेचुरल रिसोर्सेज असेसमेंट, अर्बन एरियाज, फॉरेस्ट, स्नो एक्सेट्रा जैसे कई जगहों की मैपिंग की जाएगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी का यूज कर ये मैपिंग अब तक की सबसे सटीक मैपिंग होगी। मैपिंग करने की ही डायरेक्शन में इंडियन गवर्नमेंट कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स भी इंप्लीमेंट कर रही है जो देश और दुनिया में रहने वालों के जीवन को आसान बनाने के लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए भी मेजर बूस्ट होगा। उसमें से एक प्रोजेक्ट है भारतमाला। भारतमाला प्रोजेक्ट नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट यानी NHDP का एक अपडेटेड वर्जन मान लीजिए।
इसके अंडर में सेंट्रल गवर्नमेंट करीब 50,000 किलोमीटर के रोड्स, हाईवेज, एक्सप्रेसवेज एक्सेट्रा बनाने का लक्ष्य रखती है। इस प्रोजेक्ट से इकोनॉमिक कॉरिडोर्स, बॉर्डर एरियाज, रिमोट एरियाज को कनेक्टिविटी मिलेगी, जिससे कार्गो के मूवमेंट में तेजी आएगी और एक्सपोर्ट्स बूस्ट हो सकेगा। इस प्रोजेक्ट में कंस्ट्रक्शन के दौरान 100 मिलियन मैन डेज जॉब्स क्रिएट होंगी। देश में इस प्रोजेक्ट से होने वाले इकोनॉमिक विकास से 22 मिलियन जॉब्स क्रिएट होंगी। भारतमाला ने 9,000 किलोमीटर के इकोनॉमिक कॉरिडोर्स, 6,000 किलोमीटर के इंटर कॉरिडोर और फीडर रूट्स, 5,000 किलोमीटर के नेशनल कॉरिडोर्स एफिशिएंसी प्रोग्राम, 2,000 किलोमीटर के इंटरनेशनल कनेक्टिविटी रोड्स और बॉर्डर रोड्स और NHDP के 10,000 किलोमीटर के रोड्स के साथ साथ कई हजार किलोमीटर रोड्स कंस्ट्रक्ट किए जाएंगे। इस तरह भारतमाला फेज वन में करीब 34,800 किलोमीटर लंबे रोड्स बनाए जाएंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट केवल रोड्स के साथ ही नहीं बल्कि कोस्टल रीजन्स में भी लॉजिस्टिकल सपोर्ट बढ़ाने और सीमलेस कनेक्टिविटी देने के लिए सागरमाला प्रोजेक्ट भी तैयार कर रही है। सागरमाला एक एम्बिशियस नेशनल इनिशिएटिव है जो इंडिया के लॉजिस्टिक सेक्टर के परफॉर्मेंस में मेजर बूस्ट लेकर आने के लिए तैयार किया गया पोर्ट लेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है। इसमें इंडिया की कोस्ट लाइन और वाटरवेज के पूरे पोटेंशियल को अनलॉक करना एम रखा गया है। ये प्रोजेक्ट इंडियन कोस्ट लाइन पर मौजूद पोर्ट्स को अपग्रेड करने से लेकर पोर्ट्स के रिनोवेशन और कंस्ट्रक्शन का काम करेगा। ऐसे में डोमेस्टिक और एग्जिम कार्गो में लॉजिस्टिक्स कॉस्ट ऑप्टिमाइज की जा सकेगी। सागरमाला की वेबसाइट के मुताबिक इससे देश को हर साल 35,000 से 40,000 करोड़ की बचत हो सकेगी। साथ ही साथ ये प्रोजेक्ट 12.5 मेट्रिक टन पर एनम तक कार्बन एमिशन भी कम करने में मदद करेगा। इंडिया दुनिया में टेक्नोलॉजी से लेकर प्रोडक्शन तक हर फील्ड में तरक्की के रास्ते पर है। ऐसे में तेजी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर माना जाता है। ऐसी ही तेजी मालगाड़ियों को भी दी जाएगी। DFCs यानी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स, ये प्रोजेक्ट इंडियन रेलवेज के लिए फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है जो पूरी फ्रेट कॉरिडोर की लाइन को स्क्रैच से तैयार करने के लिए इनिशिएट किया गया है। फिलहाल इसकी दो आर्म्स बनाई जा रही हैं। एक है 1839 किलोमीटर की ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो लुधियाना के पास सोहनेवाल से शुरू होकर वेस्ट बंगाल में डांकुनी पर खत्म होगी। वहीं दूसरी आर्म 1500 किलोमीटर लंबी है। ये वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर उत्तर प्रदेश में दादरी से शुरू होकर जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट मुंबई पर आकर खत्म होगी। इससे इंडियन रेलवेज को दो मेजर फायदे होंगे। पहला फायदा ये होगा कि आज इंडियन रेलवेज नेटवर्क्स पर चलने वाली फ्रेट ट्रेन्स यानी मालगाड़ियों में से 70% इन कॉरिडोर्स पर शिफ्ट होंगी, जिससे पैसेंजर ट्रेन्स का डिले भी बंद होगा और ज्यादा पैसेंजर ट्रेन्स की जगह बनेगी। दूसरा फायदा यह है कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ज्यादा कैपेसिटी और लोड वाली फ्रेट ट्रेन्स चलाने की कैपेसिटी के साथ बनाया जा रहा है, तो फ्रेट कैरिंग कैपेसिटी भी बढ़ेगी। इसी तर्ज पर और पैसेंजर्स को तेजी से ट्रैवल प्रोवाइड करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट मुंबई से लेकर अहमदाबाद तक बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेलवे प्रोजेक्ट यानी मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट काफी अड़चनों से होकर गुजरा है। इन्वायरमेंट रिलेटेड इश्यूज आज भी इसके पेस को धीमा कर रहे हैं। हालांकि इससे दोनों शहरों के बीच पैसेंजर्स का ट्रैवल करना एक बेहतरीन एक्सपीरियंस होगा और इंडिया को अपनी पहली बुलेट ट्रेन मिलेगी। ये मुंबई में थाने क्रीक से होकर गुजरेगी और क्योंकि ये इलाका प्रोटेक्टेड फ्लैमिंगो सेंचुरी है और आसपास काफी मैंग्रोव्स है, तो रेल ट्रैक्स अंडरसी टनल से होकर पास होंगे। इस तरह इंडिया को पहली अंडर वाटर टनल भी मिलेगी। कहा जाता है कि इस बुलेट ट्रेन के ट्रायल्स 350 किलोमीटर प्रति घंटे पर 2026 तक किए जाएंगे। ये ट्रायल्स गुजरात में बिलीमोरा से सूरत के बीच होंगे और बाद में बाकी स्ट्रेचेस टेस्ट किए जाएंगे। इसका ऑपरेशनल स्पीड 320 किलोमीटर पर आर होगा, जो पैसेंजर्स के लिए गेम चेंजर साबित होगा। ये एक इंटरनेशनल रोड और सी रूट नेटवर्क है जो आर्मेनिया, अजरबैजान, बेलारूस, बल्गेरिया, इंडिया, ईरान, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ कजाकिस्तान, किर्गिज रिपब्लिक, ओमान, रशियन फेडरेशन, सीरियन अरब रिपब्लिक, तजिकिस्तान, टर्की, यूक्रेन जैसे देशों के बीच बनाया जा रहा है। INSTC एक मल्टी मोडल ट्रांसपोर्टेशन है जो ईयर 2000 में एस्टैब्लिश हुआ था ताकि मेंबर स्टेट्स के बीच ट्रांसपोर्टेशन कोऑपरेशन बढ़ाया जा सके। इस प्रोजेक्ट से इंडियन ओशन और पर्शियन गल्फ को कैस्पियन सी से ईरान द्वारा लिंक किया जाएगा। ये शिप, रेल और रोड का एक रूट है जो ट्रेड कनेक्टिविटी बढ़ाने में मुंबई, मॉस्को, तेहरान, बाकू, बंदर अब्बास,
अस्तरा खान और बंदर अंजलि के बीच कैटलिस्ट का काम करेगा। ये प्रोजेक्ट भले ही पूरी तरह से इंडिया में नहीं बन रहा है, लेकिन इससे इंडिया की कनेक्टिविटी होना और इंडियन ओशन रीजन में इंडिया के स्ट्रेटजिक पोजीशन से ये एक मेजर जियोपॉलिटिकल मुद्दा बन जाता है। वर्ल्ड वन टावर मुंबई की लोढ़ा पैलेस में तीन सिग्नेचर रेसिडेंशियल टावर्स में से एक है, जो 17 एकड़ डेवलपमेंट मास्टर प्लान का हिस्सा है। मुंबई दुनिया के मेजर शहरों में से एक है और ये टावर इंडिया का हाईएस्ट स्काई स्क्रैपर है। हालांकि दुनिया में इसकी रैंकिंग 276 बताई जाती है। इस प्रोजेक्ट को 2011 में शुरू किया गया था और 2019 में इसका कंस्ट्रक्शन पूरा हो चुका है। वर्तमान में ये इंडिया की सबसे ऊंची रेजिडेंशियल बिल्डिंग है। शुरुआती दौर में इस प्रोजेक्ट को दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग तैयार करने के इरादे से शुरू किया गया था। इसमें 114 स्टोरीज होनी थी, हालांकि ऐसा नहीं हुआ क्योंकि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इसकी इजाज़त नहीं दी। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को यह भी ध्यान रखना होता है कि एरोप्लेन्स को नेविगेशंस बिना किसी रुकावट के मिलता रहे। नेविगेशन और मैपिंग की बात करें तो इंडियंस को इंडियन गवर्नमेंट ने NAVIC नाम का तोहफा दिया है। इंडियन टेरिटरी में एरियल और मैरीन नेविगेशन, डिजास्टर मैनेजमेंट, ट्रैकिंग व्हीकल्स एंड फ्लीट मैनेजमेंट फॉर बिजनेस, इम्प्रूव्ड टाइमिंग, इम्प्रूव्ड मैपिंग और जियोडेटिक डेटा कैप्चर, टेरेस्ट्रियल नेविगेशन एड फॉर हाइकर्स एंड ट्रैवलर्स, विजुअल एंड वॉइस नेविगेशन फॉर ड्राइवर्स एक्सेट्रा जैसे एप्लीकेशन के साथ नेविक एक सेटेलाइट सिस्टम है जिसे इसरो ने बनाया है। इसे इंडियन रीजनल नेविगेशन सेटेलाइट सिस्टम यानी IRNSS भी कहते हैं, जो मोबाइल फोन यूजर्स, स्मार्ट टेक्नोलॉजी यूजर्स को एक्यूरेट और प्रिसाइड लोकेशन सर्विस प्रोवाइड करती है। इससे 8 सेटेलाइट से पावर मिलती है, इसमें से एक मैसेजिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है। इसरो के मुताबिक ये एक इंडिपेंडेंट रीजन नेविगेशन सेटेलाइट सिस्टम है, जो एक तरह से इंडिया का खुद का GPS है। ये प्रोजेक्ट इंडियन सेल्फ रिलायंस के गोल को टेक्नोलॉजी की फील्ड में एक्सटेंड करता है। दोस्तों, इंडिया हमेशा से साइंस और टेक्नोलॉजी में दुनिया में अव्वल रहा है। आज इंडिया में एक अंडरग्राउंड न्यूट्रिनो फैसिलिटी बनाई जा रही है, जो अर्थ के इक्वेटर के करीब न्यूट्रिनो डिटेक्टर को लोकेट करने की एक यूनिक पॉसिबिलिटी प्रोवाइड करेगा। वेबसाइट के मुताबिक इंडिया बेस्ड न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी तमिलनाडु की थेनी डिस्ट्रिक्ट में पोट्टीपुरम गाँव में बोडी वेस्ट हिल्स में बनाई जानी है। आज INO यानी इंडिया बेस्ड न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी फिजिबिलिटी स्टेज में है। इंडिया के 15 अलग अलग इंस्टीट्यूट्स और यूनिवर्सिटीज के 50 से ज्यादा साइंटिस्ट ने साथ मिलकर एक नेशनल न्यूट्रिनो कोलैबोरेशन ग्रुप यानी NNCG बनाया है, जो INO से जुड़े कई एस्पेक्ट्स की डिटेलिंग कर रहे हैं और इसी के लिए उन्होंने एक अंडरग्राउंड न्यूट्रिनो लैबोरेटरी का प्रपोजल दिया है। दोस्तों, 5G एक तरह से 5G का मेड इन इंडिया वर्जन है, जिससे IIT हैदराबाद और IIT मद्रास यानी चेन्नई ने जॉइंटली डेवलप किया है। इस नेटवर्क को इंटरनेशनल कम्युनिकेशन यूनियन का अप्रूवल मिल गया है। इसका मतलब यह है कि मेड इन इंडिया नेटवर्क ग्लोबल स्टैंडर्ड्स पर खरा उतरा है। ये 5G की ही तरह सेम ब्रांड्स और स्पेक्ट्रम पर ऑपरेट होगा, लेकिन ये 5G से अलग है। 5G लोअर फ्रिक्वेंसी पर ज़्यादा रेंज प्रोवाइड करेगा और कॉस्ट इफेक्टिव भी होगा। इंडियन गवर्नमेंट का ये कदम इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये 5G की कनेक्टिविटी रूरल इंडिया तक पहुँचाने में हेल्प करेगा और टेलीकॉम कंपनीज का स्कोप देश में बढ़ाएगा। आज करीब करीब हर एक काम इंटरनेट पर हो रहा है, इसके लिए रूरल इंडिया को अपग्रेड करना बेहद जरूरी हो जाता है। 5G इसी डायरेक्शन में एक स्मार्ट मूव है। COVID-19 पैंडेमिक के शुरू होने के बाद हमने देखा कि दुनिया में टीकों यानी वैक्सीन को लेकर एक रेस शुरू हुई है। जो देश टेक्नोलॉजीज की हेल्प से वैक्सीन डेवलप कर सकते थे, उन्होंने कैंडिडेट्स यानी इंस्टीट्यूट्स, साइंटिस्ट, प्राइवेट कंपनीज को वॉर फुटिंग पर हेल्पिंग मेजर्स प्रोवाइड किए। इंडिया ने इस रेस में भी कई परचम लहराए हैं। हम देख ही रहे हैं कि पिछले 2 सालों में इंडिया न केवल वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग हब बना, बल्कि खुद वैक्सीन डेवलप भी की। वैक्सीन मैत्री प्रोग्राम के अंडर कई सारे देशों और UN मेंबर कंट्रीज को वैक्सीन प्रोवाइड की। ये प्रोजेक्ट कोई एक प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि एक अम्ब्रेला प्रोजेक्ट माना जा सकता है। भारत बायोटेक और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के साथ मिलकर कोवैक्सीन तैयार की थी। ये एक इंडिया मेड वैक्सीन थी, जिसे कई यूनाइटेड नेशंस मेंबर्स में भेजा गया था। यूं तो इंडिया में वैक्सीनेशन और मेडिकल साइंस का हजारों साल पुराना इतिहास है, लेकिन यदि हम करंट सिनेरियो की बात करें तो इंडिया मेडिकल साइंसेज में उन गिने चुने देशों में से एक है
जो इनोवेशन से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक करने की क्षमता रखता है। कृषि भारत की रीढ़ की हड्डी है। आज भी इंडिया की मेजर पॉपुलेशन फार्मिंग और फार्मिंग रिलेटेड एक्टिविटीज पर अपना जीवन यापन करती है। ऐसे में हमें सेक्टर को नजरअंदाज कर तरक्की के बारे में नहीं सोच सकते। सेंट्रल गवर्नमेंट आज फार्मिंग सेक्टर में टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और कैपिटल इन्वेस्टमेंट के साथ एक ओवरऑल डेवलपमेंट का रास्ता तैयार कर रही है। इस सेक्टर में कई प्रोजेक्ट्स और स्कीम्स लागू हैं, जिनमें ई नाम यानी ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल ग्रोथ NMSA, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना PMKSY, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY, ग्रामीण भंडारण योजना, नेशनल स्कीम ऑन वेलफेयर ऑफ फिशरमैन एंड माइक्रो इरिगेशन फंड और MIF जैसी कई स्कीम्स और प्रोजेक्ट्स फार्मर्स को सपोर्ट कर रहे हैं। इन स्कीम्स में फार्मर्स को सब्सिडीज, टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट, इक्विपमेंट, अवेयरनेस और फंडिंग की परेशानी रहित व्यवस्था जैसी हेल्प शामिल हैं। आज इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर जो कदम उठा रहा है, उसमें यदि सतत मेहनत होती रहे तो आने वाले दशकों में हम सस्टेनेबल एनर्जी का एक बेहतरीन इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं। ये मॉडल बाकी देशों के लिए भी यूजफुल हो सकता है। 2010 में लॉन्च हुआ जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन या नेशनल सोलर मिशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट्स का एक ऐसा इनिशिएटिव है, जिसमें इंडिया को सोलर पावर में वर्ल्ड लीडर बनाने का ऑब्जेक्टिव रखा गया था। इसके तीन फेजेस थे जो 2022 तक कंप्लीट होने थे। ये मिशन अब तक दो बार रिवाइज हुआ है और अब 2022 तक 100 गीगावाट एनर्जी सोलर पावर से जनरेट करने का लक्ष्य है। इसमें पूरे देश में पॉलिसी मेकिंग और एनर्जी क्रिएशन पर फोकस किया जाना है। हर फेज में पॉलिसीज का सपोर्ट प्रोवाइड किया गया है। आज इंडिया में 40 से ज्यादा सोलर पार्क्स हैं जो 10 मेगावाट एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। इंडिया में भाडला सोलर पार्क राजस्थान दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क है। इसके अलावा इंडियन गवर्नमेंट ऑफिस स्पेसेस, रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स, विलेजेस, फार्मिंग लैंड एक्सेट्रा पर भी सोलर पैनल्स इंस्टॉल करने और यूज करने को बढ़ावा दे रही है। यही नहीं, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान यानी PM कुसुम स्कीम के अंडर लोगों को सोलर पार्क्स इंस्टॉल करने और एक्स्ट्रा एनर्जी गवर्नमेंट को बेचने का भी रास्ता दे रही है। तो दोस्तों, ये थे वो इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स जो इंडिया की दिशा को चेंज कर सकते हैं। हो सकता है कि इसमें कुछ प्रोजेक्ट्स मिसिंग हो, और अगर आपको लगता है कि ऐसे कोई प्रोजेक्ट हैं जो इस लिस्ट में इंक्लूड होने चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, उनके बारे में हम अलग से बात कर सकते हैं। दोस्तों, ये प्रोजेक्ट्स इंडिया के एक मल्टी डायमेंशनल सोशियो इकोनॉमिक विकास के लिए तो इम्पॉर्टेंट हैं ही, साथ ही साथ ये प्रोजेक्ट भारत को ग्लोबल रिस्क में भी आगे रखने में हेल्प कर रहे हैं। इस पूरे वीडियो को लेकर आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।